हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो वन प्लस बर्ड्स जेड है, इनको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा मोबाइल है वन प्लस 6T मोबाइल है। आप इसको किसी भी मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, जो किसी भी कंपनी का हो आप कनेक्ट कर सकते हो, ईजिली कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लाइड करना है और अपने ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है। तो मैं यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग में आ गया हूँ। तो दोस्तों, आपको उसके बाद में क्या करना है, ये जो बर्ड्स है इसके पीछे की तरफ एक आपको बटन दिखाई देगा, ये वाला जो बटन है। तो आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है, 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, यहाँ पे वाइट लाइट ब्लिंक करेगी। तो आपको मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखो दोस्तों, जैसे ही वाइट लाइन ब्लिंक करने लगी इसको छोड़ देना है पीछे से वापस, और ये ब्लिंक करती रहेगी ऑटोमेटिक, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ गया। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो पेयर न्यू डिवाइस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे पेयरिंग मोड में है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे पेयर माई न्यू डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे पाओगे कि ये जो वन प्लस जेड है, ये इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आ रहा है ऑलरेडी वन प्लस जेड बर्ड्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप होएगा, पेयर विथ वन प्लस जेड। तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है और पेयर कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको पेयर करते हो, यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह शो होने लग जाएगी। तो वेट करते हैं, मैंने इसको पेयर कर दिया है दोस्तों, ये अभी तक नहीं हुआ, तो इसको वापस कर देते हैं पेयरिंग मोड में। तो यहाँ पे अलाउ और ये पेयर, ये लो दोस्तों, ये अब पेयर हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है ये वन प्लस बर्ड्स का। तो सेटिंग में जाके अपन यहाँ पे देख सकते हो, लोग ये जो नाम आ गया है वो लोकेंद्राज बर्ड्स है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी वगैरह सब यहाँ शो हो रही है। तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि ये वन प्लस का फ़ोन है, तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसमें। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो आपको कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको दूसरी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप है मेलोडी ऐप में जाके वहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस हेडफोन पे आप क्लिक करते हो तो इनका कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। प्ले पॉज का ऑप्शन है, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है, प्रीवियस ट्रैक का ऑप्शन है, नेक्स्ट ट्रैक का ऑप्शन है, जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हो यहाँ पे। और ऑटो फ्रेमवेयर को अलाउ कर देना, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड माई डिवाइस। तो आप फाइंड माई डिवाइस में जाके अगर आप बर्ड्स यूज कर रहे हो, और इन जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बर्ड्स हैं इनको यूज कर रहे हो और कहीं रख के भूल गए आसपास में, तो आपको पता नहीं कहाँ है, तो आप यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस में जाके, और यहाँ पे जैसे लेफ्ट और राइट बर्ड्स है ना, तो यहाँ पे क्लिक करते हो ना, जो वाला आपका खोया उस पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ये देखो, ये थोड़ा बीप का साउंड आने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगी कि हाँ आसपास में बर्ड्स कहाँ पड़ी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसमें जो ऑप्शन है एडवांटेज मुझे ये लगा। तो और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको मैं है मेलोडी ऐप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप इसको किसी दूसरे वाले फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो तो आप इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं नेट ऑन कर लेता हूँ और आप प्ले स्टोर पे चलते हैं अपन, और प्ले स्टोर पे ये देखो, प्ले स्टोर पे आ गए। और यहाँ पे अपन ये है मेलोडी, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है मेलोडी लिख के आप इसको सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा है मेलोडी ऐप। तो यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करके और कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसमें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले जो भी न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।